Welcome to today's class, which is in continuation of the chapter Molecular Basis of Inheritance. देखिए आज हम Transforming Principle, ये जो इस chapter में एक important topic दिया गया है, इसी को हम आज discuss करेंगे. इसमें हम आज discuss करेंगे Griffith Experiments. In 1928, Frederick Griffith performed an experiment on bacterium Streptococcus pneumoniae. Bacterium responsible for disease pneumonia in human being as well as in other mammals. 1928 को फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड वो एक्सपेरिमेंट एक बैक्टीरियम के ऊपर उन्होंने परफॉर्म किया था. बैक्टीरियम का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. इन बैक्टीरियम की जो खासियत है, ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, दिस बैक्टीरिया आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीज निमोनिया इन ह्यूमन बींग एज वेल एज अदर मैमल्स. स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ये जो बैक्टीरियम है, इस बैक्टीरियम से ह्यूमन बींग को एज वेल एज अदर मैमल्स को निमोनिया डिसीज होता है. मतलब ये बैक्टीरिया कैसा है, पैथोजेनिक है. When Streptococcus pneumoniae, that is pneumonococcus bacteria, are grown on a culture plate, some produce smooth shiny colonies while other produce rough colonies. जब Streptococcus pneumoniae bacteria को culture plate के ऊपर grow किया गया तो दो प्रकार की colonies develop हुई. एक बैक्टीरिया की कॉलोनी ऐसी थी, बैक्टीरिया की कॉलोनी मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया ऐसा था कि जिसमें स्मूथ शाइनी कॉलोनीज थी वो, एंड दूसरी जो कॉलोनी थी वो रफ कॉलोनी थी. इसका मतलब ये है कि ये जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी है, इसमें दो स्ट्रेन्स होते हैं, आर स्ट्रेन एंड यस स्ट्रेन. देखिए ये है आर स्ट्रेन. आर स्ट्रेन बैक्टीरियम कैसा होता है, तो ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसमें जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन इसके ऊपर कैप्सूल नहीं होती है, तो ये है रफ स्ट्रेन या फिर आर स्ट्रेन बैक्टीरियम. यस स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसा होता है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता. सिर्फ इतना फर्क होता है कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में एक स्मूथ पॉलीसैकराइड कोट होता है, कैप्सूल होती है. मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, इसे हम रफ टाइप बैक्टीरिया बोल सकते हैं, एंड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, इन्हें हम एस टाइप बैक्टीरिया बोल सकते हैं. तो आर स्ट्रेन एंड यस स्ट्रेन या फिर आर टाइप बैक्टीरिया एंड यस टाइप बैक्टीरिया में डिफरेंस क्या है, तो इतना ही डिफरेंस है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कैप्सूल अब्सेंट है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कैप्सूल प्रेजेंट है, एंड वो जो कैप्सूल है वो स्मूथ पॉलीसैकराइड कोट है. मतलब ये शुगर से बनी हुई कैप्सूल है. इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करते हैं. तो इसमें मैंने लिखा है कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया हैव अ म्यूकस कोट व्हाइल आर स्ट्रेन डज नॉट. मतलब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है, इसके ऊपर म्यूकस का कोट है, पॉलीसैकराइड का कोट है, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में ऐसा कोई म्यूकस का कोट नहीं होता. मतलब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोट होता है म्यूकस का, पॉलीसैकराइड का, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में म्यूकस का कोट नहीं होता. इसके बाद जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, इन्होंने उनके एक्सपेरिमेंट को कैसे आगे बढ़ाया वो हम अब डिस्कस करेंगे. देखिए इन्होंने क्या किया, माइस लिए. इनका जो एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट में इन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ये बैक्टीरिया तो यूज किए ही थे, इनके साथ साथ इन्होंने इस बैक्टीरिया द्वारा माइस को इन्फेक्ट कराया. तो
सबसे पहले देखिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए, जो बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड होते हैं जिनमें कोट होता है। जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने माइस को इन्फेक्ट किया, वेन एस्ट्रेन बैक्टीरिया यस स्ट्रेन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड टू माइस, माइस डाई। इसका मतलब है कि जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो थे, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने माइस को जब इन्फेक्ट किया था तो माइस की निमोनिया से डेथ हो गई। यहाँ पर एक चीज़ साफ हो गई कि ये जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, ये यस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट है। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया होता है। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या है तो कोट होता है, पॉलीसैकेराइड का कोट। उनकी जो सेकंड स्टेप थी, सेकंड स्टेप में क्या किया, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए उन्होंने, एंड दैट आर स्ट्रेन बैक्टीरिया अलाउड टू इन्फेक्ट माइस। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने जब माइस को इन्फेक्ट किया तो माइस लिव, मतलब जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया ने माइस को इन्फेक्ट किया तो माइस को निमोनिया नहीं हुआ, माइस जीवित रही। इसका मतलब यहाँ पर एक साफ हो गया कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है वो नॉन वायरुलेंट है। आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो नॉन वायरुलेंट है, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया नहीं होता। एक चीज़ यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है कि यस स्ट्रेन बैक्टीरिया एंड आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। तो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया में क्या होता है, कोट होता है, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया में कोट नहीं होता। यस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, एंड यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जब किसी माइस को इन्फेक्ट करते हैं तो माइस की निमोनिया से डेथ हो जाती है। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट हो गए, सॉरी यस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट हो गए, लेकिन जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है उनमें कोट नहीं होता। जब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया किसी भी माइस को इन्फेक्ट करते हैं तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस की डेथ नहीं होती, मतलब आर स्ट्रेन बैक्टीरिया क्या हो गए, नॉन वायरुलेंट हो गए। तो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया वायरुलेंट बैक्टीरिया है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया नहीं होता। नेक्स्ट स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप, ग्रिफिथ ने क्या किया कि जब इन्होंने ये जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हिट किल्ड किया, मतलब इन्होंने जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया थे, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट से मार दिया, मतलब हीट किल्ड किया यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को। तो जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को हीट किल्ड किया तो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया मर गए, मतलब वो नॉन वायरुलेंट हो गए। वो ऐसे मरे हुए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस लिव, मतलब माइस को निमोनिया नहीं हुआ। तो इसमें एक चीज़ क्लियर हो गई तीसरी स्टेप में, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो है वो वायरुलेंट है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया होता है, लेकिन जब यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को मार दिया जाए, जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर इनएक्टिवेट कर दिया जाए, हीट किल कर दिया जाए, मतलब इनको हीट ट्रीटमेंट से मार दिया जाए, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे इन्हें रख कर अगर इन्हें मार दिया जाए, ऐसे यस स्ट्रेन बैक्टीरिया को अगर माइस में इंजेक्ट किया जाता है तो माइस लिव, मतलब माइस को निमोनिया नहीं होता। यहाँ पर कौन सी चीज़ क्लियर हो गई बेटा कि जो यस स्ट्रेन बैक्टीरिया है, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया मरे हुए यस स्ट्रेन बैक्टीरिया से निमोनिया नहीं होता। इन्होंने नेक्स्ट स्टेप जो है, चौथी स्टेप देखिए, फोर्थ नंबर की स्टेप, यस स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए हिट किल्ड, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए लिव, मतलब लिविंग। क्या किया इन्होंने, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए जीवित, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जीवित भी रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से
माइस को निमोनिया नहीं होता है। प्लस मतलब इनके साथ कौन से बैक्टीरिया को मिला दिया, यस्ट्रेन बैक्टीरिया को। लेकिन यस्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे हिट किल्ड, अब देखिए ये दोनों का जो उन्होंने मिक्सचर लिया, कॉम्बिनेशन लिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिविंग है, यस्ट्रेन बैक्टीरिया हिट किल्ड है, मतलब ये बैक्टीरिया इनएक्टिव है, दोनों से भी निमोनिया नहीं हो सकता। इधर देखिए ये आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से माइस लिव मतलब नो निमोनिया, लेकिन यस्ट्रेन बैक्टीरिया हिट किल्ड अगर लिया जाए तो माइस लिव मतलब नो निमोनिया। तो आर स्ट्रेन से भी निमोनिया नहीं होता, हिट किल्ड यस्ट्रेन से भी निमोनिया नहीं होता, सिर्फ लिविंग यस्ट्रेन अगर इंजेक्ट किए जाते हैं माइस में तो ही माइस को क्या होता है, निमोनिया होता है। तो फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने उनकी जो फोर्थ स्टेप थी एक्सपेरिमेंट की, इसमें क्या किया कि आर स्ट्रेन बैक्टीरिया लिए लिविंग, प्लस इसमें यस्ट्रेन बैक्टीरिया मिला दिए हिट किल्ड, दोनों बैक्टीरिया का मिक्सचर लिया। इस मिक्सचर में क्या था, तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया भी थे एंड यस्ट्रेन बैक्टीरिया भी थे, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे थे, लिविंग थे, इनकी वजह से निमोनिया नहीं होता। नंबर टू, यस्ट्रेन बैक्टीरिया कैसे लिए, यस्ट्रेन बैक्टीरिया हिट किल्ड लिए, हिट किल्ड से भी निमोनिया नहीं होता। इस तरह से आर स्ट्रेन लिविंग एंड यस्ट्रेन हिट किल्ड का मिक्सचर बना दिया, तो ये हार्मलेस है ये मिक्सचर, इससे निमोनिया नहीं होता। फिर भी जब ये ऐसा जो मिक्सचर है वो इंजेक्टेड टू माइस, माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस डाए, माइस की डेथ हो गई। इतना ही नहीं, ये माइस की डेथ निमोनिया से हुई, इतना ही नहीं तो माइस के बॉडी से, डेड बॉडी से लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया भी रिकवर हुए, लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया भी रिकवर हुए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि यस आर स्ट्रेन बैक्टीरिया इंजेक्ट किए थे, आर स्ट्रेन बैक्टीरिया से तो निमोनिया होता नहीं है, इसके साथ यस्ट्रेन बैक्टीरिया भी माइस में इंजेक्ट किए थे, आर स्ट्रेन के साथ साथ मिक्सचर ही था वो, आर स्ट्रेन एंड हिट किल्ड यस्ट्रेन का, आर स्ट्रेन लिविंग थे लेकिन यस्ट्रेन कैसे थे, हीट किल्ड मतलब इनको हीट से मारा गया था, यस्ट्रेन बैक्टीरिया जीवित नहीं थे, मृत थे, लेकिन आर स्ट्रेन बैक्टीरिया जीवित थे। ऐसा कॉम्बिनेशन, ऐसा मिक्सचर जब माइस में इंजेक्ट किया गया तो माइस की डेथ हुई, एंड माइस की डेथ कैसे हुई, माइस की डेथ हुई निमोनिया से। इतना ही नहीं तो माइस के डेड बॉडी से, माइस के ब्लड से लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया भी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रिकवर्ड किए। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन आता है कि ये जो लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया है, ये जो लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया है ये माइस के बॉडी में आए कहाँ से, क्योंकि लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया माइस के बॉडी में इंजेक्ट ही नहीं किए गए थे। जो यस टाइप बैक्टीरिया इंजेक्ट किए गए थे वो हीट किल्ड थे, लेकिन लिविंग कौन से थे, आर टाइप की, फिर भी माइस के डेड, माइस के बॉडी से, ब्लड से लिविंग यस टाइप बैक्टीरिया किस कैसे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने रिकवर्ड किए, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।